अस्सलाम वालेकुम। एक तो साल उस उम्र से है, शुरू से उसे एलर्जी है, एलर्जी है, दवाई खिला खिला थक गए, आराम नहीं आता, एलर्जी के बारे में मालूम आ चाहिए। ये देखना पड़ेगा किस चीज़ की एलर्जी है, फिर पता चलेगा। बुखार रात को हो जाता है, ये बुखार के बारे में मैंने बता दिया। मेरा हाथ सो जाता है, मेहरबानी फरमा ये जिसके हाथ पाँव सो जाते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, वो सुबह दोपहर शाम फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। 5 मिनट चलता हूँ, टांग में दर्द भर आता है। मेरे भाइयों ये दर्द बीमारी नहीं है। जब आप खाना ठीक खाओगे और जो खाने का तरीका बताया इसको ठीक लोगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। सर्दियों में खुश्की की वजह से नाक पक जाता है, ये सर्दियों के अंदर ये जो आपके होंठ और नाक पक जाता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, आप लोग पानी नहीं पीते, आप लोग पानी नहीं पीते। मेरे मोहतरम भाइयों जैसे गर्मियों में पानी की बॉडी को ज़रूरत है, ऐसे ही सर्दियों में भी ज़रूरत है। लेकिन हम सर्दियां आनी है, पूरा दिन गुजर जाता है पानी, तो कम से कम 8 गिलास पानी लाजमी पिया करो। जब ये करोगे तो इंशाल्लाह ये ना होंठ पकेंगे ना यार ये प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ अगर आप सिंपल इसके ऊपर कोई भी पेट्रोलियम जेली टाइप आप अगर आप कोई चीज़ लगा लेंगे इंशाल्लाह उसी से ये ठीक हो जाएगा।